हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू APS ऑनलाइन क्लासेस। वी वर सॉल्विंग एक्सरसाइज 5.1। वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वी आर नोइंग दैट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हुज सम इज 180, हुज सम ऑफ मेजर इज 180 डिग्री। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवेन दैट फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। मीन्स इफ एक्स इज एनी एंगल देन वॉट इज इट्स सप्लीमेंट, 180 माइनस एक्स। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवेन दैट दीज एंगल्स आर इक्वल्स एक्स, 180 माइनस एक्स और सप्लीमेंट टू ईच अदर। सो वी कैन इक्वेट देम। दिस इज एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। नाउ ट्रांसपोज दिस माइनस एक्स फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। इसका साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 180। नाउ टू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू, 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, 90 डिग्री। हैंस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री इज एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स इसमें क्या कह रहा, एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड वॉट चेंज शुड टेक प्लेस एंड एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। इफ एंगल 1 क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, वॉट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। जब एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एंगल 2 शुड इंक्रीज दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ओके, एंगल 1 डिक्रीज होगा, जैसे यहाँ पे ये एंगल 1 है, ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ऐसे आएगा, ये होगा, इस टाइप से होगा, तो ये एंगल टू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, एंगल 2 इंक्रीज होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल। यू नो वॉट इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स आर एंगल्स हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। तो दो एंगल जो 90 से कम होगा उनका सम तो 180 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई दो एंगल नहीं है जो एक्यूट हो और वे सप्लीमेंट्री एंगल हो, तो ये फॉल्स है, ऐसा कोई एंगल ही नहीं है। ऑब्टूज एंगल, टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर ऑब्टूज एंगल, नेवर। जब दोनों एंगल क्या होंगे, 90 से ग्रेटर होंगे, तो उनका सम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 180 से ग्रेटर हो जाएगा ना। तो हमें ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो, 180 के इक्वल हो। ओके, नाउ राइट एंगल, अब कह रहा है ये तो फॉल्स हो गया। राइट एंगल्स के बारे में देखो, दो राइट एंगल्स के सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, यस दे कैन बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज 90 प्लस 90 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 आर इक्वल टू 45 और लेस देन 45। एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, कह रहा कोई एक एंगल है जो 45 डिग्री से
ग्रेटर है, तो कह रहा है इफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 आर इक्वल टू 45 आर लेस देन 45। अब देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम ऑफ मेजर 90 डिग्री है। एक एंगल क्या है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 45 डिग्री है, जिसकी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 45 डिग्री है, तो कह रहे हैं उसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा। मान लो वो एंगल 45 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 45 डिग्री होता। अगर वो एंगल खुद थीटा 45 से, मान लो थीटा कोई एंगल है 45 से ग्रेटर है, तो उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, ग्रेटर देन 45 होगा, नो, आर इक्वल टू 45, नो, लेस देन होगा, ठीक है। जैसे मान लो 45 50 हो गया, तो 50 कोई एंगल है 45 से ग्रेटर है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल तो 40 होगा ना, 40 क्या है, 40 लेस देन 45 है ना कि इक्वल है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, लेस देन 45 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा उसका, लेस देन 45 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है देखो, इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू, यस, ये एंगल इस एंगल का एडजेसेंट है, क्यों, देखो यहाँ पे जो वर्टेक्स ओ है कॉमन है और एक जो है साइड यहाँ पे कॉमन है, ओके। इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई, ए ओ सी ए ओ ई, नो, कोई कॉमन आर्म्स नहीं है, कॉमन आर्म्स होना चाहिए, बट वो कॉमन आर्म्स क्या होना चाहिए, दो एंगल ये है ये और ये दो एंगल, तो ये कॉमन एंगल्स क्या होना, कॉमन आर्म्स क्या होना चाहिए, द कॉमन आर्म्स लाई बिटवीन अनदर आर्म्स एंड द टू आर्म्स, ओके, तो ये नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ओके, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये है एडजेसेंट एंगल, ओके। डू एंगल सी ओ ई, सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये एंगल सी ओ ई, सी ओ ई एंड ई ओ डी, ये एंगल और ये एंगल क्या लीनियर पेयर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, यस कर रहे हैं लीनियर पेयर एंगल। आर एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी एंड डी ओ ए, बी ओ डी आर सप्लीमेंट्री, बी ओ डी एंड डी ओ ए सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये और ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यस दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। इज एंगल वन वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, इज एंगल वन वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, चेक कर लेते हैं, इज एंगल वन वर्टिकली अपोजिट टू एंगल फोर, यस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दो लाइन है यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, और ये एंगल वन एंड एंगल फोर इज व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल फाइव, एंगल फाइव का वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ, इसका एंगल फाइव का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ओ सी हो जाएगा, एंगल फाइव एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। नाउ इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्वेश्चन नंबर टेन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वर्टिकली अपोजिट एंगल, विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल वन एंड एंगल फोर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल वन एंड एंगल फोर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर एंगल देखो यहाँ पे कौन सा है, लीनियर पेयर एंगल्स, इसमें लीनियर पेयर एंगल आप में क्या हो जाएगा, एंगल फोर एंड एंगल फाइव, देखो कैसे हो रहा है, एंगल ये फोर और ये एंगल फाइव, इनका सम करोगे तो ये क्या मिलेगा, पूरा सम 180 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू? नो, बिकॉज ऑफ दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स. यहाँ पे इसका कॉमन वर्टेक्स, यहाँ पे इसका वर्टेक्स ये है, इसका ये वर्टेक्स है, तो कॉमन वर्टेक्स है ही नहीं. तो आर्म्स कॉमन है बट वर्टेक्स क्या है, कॉमन नहीं है ना. तो एंगल वन एंड एंगल टू व्हाट? नो एडजेसेंट एंगल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, अब देखो यहाँ पे एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, एंगल ये हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एंगल एक्स एंड दीज एंगल्स आर एंगल एक्स और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना. अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल है. तो 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 2 125. ठीक है, वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 125 मिल गई. अब देखो वाई इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू ये एंगल इज इक्वल टू जेड है, वाई इज इक्वल टू जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जेड इज इक्वल टू 125 डिग्री हो जाएगा. वाई इज इक्वल टू जेड क्या है, ये क्या वाई इज इक्वल टू जेड क्या हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ओके, नाउ इसमें देखो सभी लोग एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वल टू ये एंगल, ये 40 और जेड, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके, सो जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री. ओके, नाउ अब आप देखो यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, 180 होगा सम, 40 प्लस एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, सो 40 प्लस 25 65 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, मैंने डिग्री मेंशन नहीं किया हूँ यहाँ पे. एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 65. ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, तो क्या हो गया, ये एक्स की वैल्यू 115 डिग्री हो गई. एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 115. तब वाई की वैल्यू में निकालनी है. वाई की वैल्यू भी ऐसे सिमिलरली कर लोगे आप, 40 ये 40 है, ये 40 वाई. ठीक है, वाई की वैल्यू देखो 40 और वाई 180 हो जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे ये और ये इसका सम 180 डिग्री होगा. ये 40 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सो वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो क्या मिलेगा, ये 140 डिग्री. वाई इक्वल टू 140 डिग्री हो जाएगा, आंसर हो गया आपका. ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, इफ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज व्हाट. कम्प्लीमेंट्री सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री. ओके, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री. इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देन व्हाट और सप्लीमेंट्री. ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म
लीनियर पेयर, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लीनियर पेयर होंगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे ये लाइन्स हमने ड्रा कर दिए थे, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको खुद सेल्फ करना है, सेल्फ सॉल्व करना है। मैं इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप एज ए प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, लीनियर पेयर, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, चलो आपको ड्रॉ करके बता देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये लाइन हो गया और एक लाइन हो गई, ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। एक लाइन ये है और ये एम है, दे आर इंटरसेक्टिंग, दे हैव नो कॉमन पॉइंट सो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। ये और ये क्या है, एल एंड वी एम आर नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग और नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन्स बिकॉज दे हैव नो कॉमन पॉइंट। देखो अब एक यहाँ पे सेकंड दूसरा कंडीशन क्या है, ये लाइन हो गई, ये क्या कर रही है, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन ये लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स बिकॉज दे हैव वन कॉमन, बिकॉज दे हैव वन कॉमन पॉइंट्स। ओके नेक्स्ट एक लाइन देखो यहाँ पे है, ये लाइन हो गई और दूसरी भी लाइन इसी पर है, ठीक है। दूसरी भी लाइन क्या है, यही है सेम, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन, ठीक है, कॉन्सिडेंट लाइंस। तो हमें आपको हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस पढ़ने हैं और ट्रांसवर्सल लाइन पढ़नी है। तो यहाँ पे बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, देयर आर सो मेनी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके जैसे ये होगी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। ओके सपोज इट इज अ स्क्वायर रेक्टेंगल, तो यहाँ पे इसके साइड्स क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एंगल्स बिटवीन दीज साइड्स इज 90 डिग्री, सो साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इंटरसेक्टिंग। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे लाइन को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो क्या नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल यू माइट हैव सीन अ रोड क्रॉसिंग टू आर मोर रोड्स और अ रोड रेलवे लाइन्स क्रॉसिंग सेवरली अदर लाइन्स, दीज गिव एन आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, सबसे गुड एग्जांपल है, जैसे दो लाइन, कोई भी दो लाइन नहीं है, इस तरह से है, उनको हमने एक तीसरी लाइन से ऐसे कट कर दिया। ओके अब ये लाइन क्या हो जाएंगी, इस लाइन को क्या बोलोगे आप, यही ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन। ओके ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये कोई भी लाइन है ना कि पैरेलल है, ठीक है। एक लाइन ये है और इसकी एक लाइन हमने ड्रा कर लिया यहाँ पे, ये इस लाइन को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन।
तो यहाँ पे कौन किसको बोलोगे ट्रांसवर्सल लाइन, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन टी। ओके एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हो एल एंड एम आर टू लाइन्स, ओके एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल हियर, दिस लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके नाउ देयर आर सम एंगल्स फॉर्म्स, एंगल वन टू थ्री फोर, ये सब ये क्या एंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स में कौन आ जाएगा एंगल थ्री फोर फाइव सिक्स, ये एंगल्स किस में आ गए इंटीरियर एंगल्स में आ गए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंगल थ्री फोर फाइव इंटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स मीन्स आउटसाइड ऑफ द अदर टू लाइन्स एल एंड एम के बाहर कौन कौन सी एंगल हैं, तो एंगल वन टू सेवन एंड एट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंगल वन टू सेवन एट। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये एंगल फाइव एंड एंगल वन, एंगल वन का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है एंगल वन का करस्पॉन्डिंग एंगल फाइव है, एंगल टू का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल सिक्स है, एंगल फोर का एंगल एट, एंगल थ्री का एंगल सेवन। ओके एंगल फोर का एंगल एट हो गया और एंगल थ्री का एंगल सेवन हो गया, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है नाउ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया, जैसे देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको, देखो ये और ये लाइन ठीक है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये एंगल्स इस एंगल्स का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे ये एक्स है तो ये वाई मान लो, तो एक्स और वाई क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इस ये एंगल का ये एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके नाउ नेक्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा ये होता है, ये हमने ड्रॉ किया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये और ये हो गया पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसको कभी कभी हम लोग को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नेमिंग कर दिया ए बी सी डी, ए बी क्या हो गया को इंटीरियर एंगल हो गया, सी एंड डी आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स। ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज व्हाट, देखो आर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड डिफरेंट वर्टिसेस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक वन एंड फाइव इंक्लूड डिफरेंट वर्टिसेस और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन एबव और बिलो लेफ्ट और राइट। ठीक है एबव और बिलो, देखो यहाँ पे एंगल वन, जैसे देखो यहाँ पे ये वन और फाइव हो गया, थ्री सेवन हो गया, टू सिक्स हो गया, फोर एट हो गया। ठीक है ये ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल इस ट्रांसवर्सल के ऊपर है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा ट्रांसवर्सल के ऊपर होगा, सेम साइड होगा, ये भी इसके जस्ट नीचे है तो ये भी इस ट्रांसवर्सल के नीचे है। ठीक है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है, फोर और एट है, फोर एंड एट होने का क्या मतलब, यहाँ पे इस वाले ट्रांसवर्सल लाइन के जस्ट बिलो एंगल लिखा हुआ है, इस ट्रांसवर्सल के जस्ट बिलो लाइन और सेम साइड में, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है इनकी अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या, हैव डिफरेंट वर्टिसेस और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाई बिटवीन द टू लाइंस, लाई बिटवीन द टू लाइंस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट वर्टिसेस है और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन लाई बिटवीन द टू लाइंस, जैसे देखो यहाँ पे ये एंगल थ्री और एंगल सिक्स, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स ये हो गया, इस तरह से, इस तरह से ये और ये एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, सो यहाँ फोर है यहाँ पे ये फाइव, तो एंगल फोर एंड फाइव क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अभी क्या है अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है और क्या है दे आर हैविंग डिफरेंट वर्टिसेस और क्या है लाई बिटवीन द टू लाइन्स, इस सारी लाइन्स के
बीच में लाई कर रहा है ना, इस और इस लाइन के बीच में लाई कर रहा हो, अपोजिट साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन एंड हैविंग डिफरेंट वर्टेक्स। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज हियर। देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको समझाया गया है। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल इस पेयर ऑफ अल्टरनेट इंट्री एंगल्स आर इक्वल, इनकी प्रॉपर्टी है। तो इस पेयर ऑफ अल्टरनेट इंट्री एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की क्या वैल्यू होती है, एंगल्स आर इक्वल। ओके नाउ, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं देखो सभी लोग। तो एंगल वन एंड सिक्स हियर, इसमें देखो एंगल वन इक्वल टू एंगल सिक्स हो जाएगा, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल एट हो जाएगा। ओके दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मीन्स को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ इफ द ट्रांसवर्सल कट टू पैरेलल लाइन। यहाँ पे एल एंड एम आर पैरेलल लाइन, तो ये और ये एंगल्स क्या हो सकते हैं, को इंटीरियर एंगल से सप्लीमेंट्री हो सकता है, और ये एंगल क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो गया एक्स और वाई, यहाँ पे पी क्यू, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर P प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, L एंड M आर पैरेलल, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए आपके, यहाँ पे L एंड M आर पैरेलल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X इज वॉट, X इज द अल्टरनेट इंट्री एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, सो इट्स वैल्यू मस्ट बी 60 डिग्री। एंड यहाँ पे देखो सभी लोग, यहाँ पे क्या है, वाई इज़ इक्वल टू 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वाई क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है 55 डिग्री का। एंड एंगल एल एंड एल वन एंड एल टू बी टू लाइन्स इट इज़ अ ट्रांसवर्सल इज नो, बिकॉज ऑफ इसके बारे में नहीं दिया है कि एल वन एंड एल टू आर पैरेलल। इफ़ एल वन एंड एल टू आर पैरेलल देन वी कैन से दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, बिकॉज वी हैव लर्न दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल वैन टू लाइन्स आर पैरेलल अंडर ट्रांसवर्सल कट। इसमें देखो सभी लोग, एल एंड एम आर पैरेलल दिया हुआ, तो एंगल जेड की वैल्यू पूछ रहा है। अब बताओ एंगल जेड एंड 60 डिग्री आर वॉट, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सो एंगल जेड इजक्ल टू वॉट, एंगल जेड प्लस 60 डिग्री इजक्ल टू 180 डिग्री, सो एंगल जेड इजक्ल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो जेड इजक्ल टू वॉट 120 डिग्री। नाउ इसमें बताओ ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है, सो एक्स इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, ये और ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 120 डिग्री। ओके इसमें बताओ इस वाले एंगल में ए बी सी डी बताना है, तो एंगल ए की वैल्यू बताओ, ये पी इक्वल टू क्यू, इसमें पैरेलल दिया हुआ है, P इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर पैरेलल दिया है, एल एल पैरेलल टू एम एंड पी की पैरेलल टू क्यू, सो फाइंड एंगल ए बी सी डी, ए एंड 60 डिग्री, ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो ए इज इक्वल टू वॉट 180 माइनस 60, 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल एल पैरेलल टू एम है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू वॉट, ए इजक्ल टू ए की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री हो गई, 120 डिग्री हुई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जूम कर लेते हैं इसमें, देखो ए की वैल्यू हो जाएगी आपको, आपको मिल जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा आपका
vertically opposite angle. Okay, now this is this plus this, this plus this is equal to what, 120 डिग्री, और सी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी, बिकॉज ऑफ 120 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये क्या है बताओ, को एंट्री एंगल से को एंट्री एंगल सा सप्लीमेंट्री, सो सी इक्वल टू वॉट, 60 डिग्री. ओके, नाउ सी की वैल्यू 60 डिग्री हुई तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी. क्यों हो जाएगी 60 डिग्री, बी इक्वल टू सी बिकॉज ऑफ इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी. अब बताओ सी प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ सी एंड डी आर लीनियर पेयर एंगल, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, सो डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 120 डिग्री हो जाएगी, डी इक्वल टू 120 डिग्री. ओके स्टूडेंट, नाउ पैरेलल लाइन, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस टुमारो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 5.5. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.